हाय फ्रेंड, ऑल एजुकेशन फोरम में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बिहार दरोगा जो पीटी का एग्ज़ाम होने वाला है मई में, उसका देखेंगे टॉप 10 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बहुत ही लाभदायक रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। देखिए, फर्स्ट है, निम्न में से कौन सी लड़ाई फलस्वरूप हुमायूं भारत से शेरशाह द्वारा निर्वासित किया गया था? हुमायूं भारत से शेरशाह द्वारा निर्वासित किया गया था तो ये बिलग्राम के युद्ध में, बिलग्राम का युद्ध हुआ था हुमायूं और शेरशाह के बीच। इसका फैक्ट देखेंगे, 17 मई 1540 ईस्वी को बिलग्राम का युद्ध हुआ। कब हुआ था बिलग्राम का युद्ध? तो 17 मई 1540 ईस्वी को। इसे हम कन्नौज के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था। इस पराजय के बाद हुमायूं भागकर सिंध चला गया, जहां वह 15 वर्षों तक रहा था। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को 26 जून 1539 ईस्वी को चौसा के युद्ध में भी पराजित किया था। तो चौसा का युद्ध भी हुआ था 26 जून 1539 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। इसको आप याद रखेंगे। चलिए देखते हैं ब्लैक होल एपिसोड कहाँ हुआ था। तो ब्लैक होल एपिसोड कलकत्ता में हुआ था। तो इसको हम कुछ फैक्ट देखेंगे। ब्लैक होल एपिसोड कलकत्ता में हुआ था 20 जून 1756 में। 20 जून 1756 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने कोलकाता पर अधिकार कर उसका नाम अली नगर रखा था। सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर अधिकार कर उसका नाम अली नगर रखा था तथा 146 अंग्रेज कैदियों को पकड़कर एक छोटी सी कमरे में बंद कर दिया, जिसमें 23 ही जिंदा बच पाए थे। इस घटना को हम काली कोठरी की दुर्घटना के नाम से जानते हैं। कमरे की लंबाई 18 फीट थी और चौड़ाई 14 फीट थी और 10 इंच थी। 14 फीट 10 इंच थी। तो इसको आप याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट देखेंगे, इनमें से कौन सा कथन मंगल पांडे के बारे में गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। डी के मतलब हो गया 1 और 3, ये सब गलत है, बाकी 2 और 4 सही है। देखिए 2 में बोला गया है कि मार्च 1857 में इसने अकेले क्रांति की ओर और 2 अंग्रेज अफसरों को मार दिया। 4 में बोला गया कि अंग्रेज द्वारा इसे फांसी की सज़ा दी गई थी। यहाँ उसका फैक्ट देखेंगे, मंगल पांडे के बारे में यह गलत है कि वह बरहमपुर के में स्थित 19वीं नेटिव इन्फेक्ट्री का सिपाही था। यह गलत है इसका। जब उसे स्थिति का निराशजनक होने का एहसास हुआ तब उसने आत्महत्या का एक निरंतर प्रयास किया। मंगल पांडे के बारे में यह सही है कि वह बैकरपुर छावनी के 39वीं नेटिव इन्फेक्ट्री का एक सिपाही था। 34वीं नेटिव इन्फेक्ट्री के सिपाही था, कहाँ के? बैकरपुर छावनी के। मार्च 1857 में उसने कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था तथा अपने 2 उत्तराधिकारियों को गोली मारकर हत्या कर दिया था। अंग्रेजों ने उसे 8 अप्रैल 1857 को फांसी दिया गया। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दिया गया था। तो इसको याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट, वह कौन सा अंग्रेज जनरल था जिसने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को राजद्रोहियों का सर्वोत्तम और बहादुर सेना प्रमुख माना? तो इसका आंसर है सर हीरोज ने। इसको याद रखेंगे। इसका कुछ फैक्ट देखेंगे, सर हीरोज अंग्रेज जनरल था जिसने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को राजद्रोहियों का सर्वोत्तम और बहादुर सेना माना था। झांसी के विद्रोह को दबाने का श्रेय अंग्रेज जनरल सर हीरोज को जाता है। झांसी की रानी आगरा में सर हीरोज से युद्ध करते हुए वीरगति प्राप्त की थी। झांसी की रानी की वीरगति प्राप्त होने पर हीरोज ने कहा था कि यह क्रांतियों कार्यों में अकेली महिला मर्द है। यह क्रांति कार्यों में अकेली महिला मर्द, यह किसने कहा था? तो हीरोज ने कहा था।
इसको भी आप याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट देखेंगे, मजदूरी वेतन कानून और न्यूनतम मजदूरी कानून कब पास हुआ था? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, मजदूरी वेतन कानून, तो ये 1936 में हुआ था, मजदूरी वेतन कानून 1936 में हुआ था और न्यूनतम मजदूरी कानून ये 1948 में हुआ था, इसको आप याद रखेंगे। देखिए मजदूरी वेतन कानून और न्यूनतम मजदूर कानून 1936 और 1948 में हुआ था, तो इसको आप याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट है, सिंधु घाटी एवं उनके विषय के रूप में जोड़े बनाए, तो इसका आंसर देखिए सी हो गया, इसका आंसर सी है, यानी एक का तीन आ जाएगा, या हड़प्पा, तो हड़प्पा या पहला खोजा गया सिंधु स्थल है, हड़प्पा पहला खोजा गया सिंधु स्थल है। और डू में चनहुदड़ो जो है ये आ जाएगा, बिना दुर्ग के अकेले सिंधु नगर, चनहुदड़ो बिना दुर्ग के अकेले सिंधु नगर है। और तीन का मोहनजोदड़ो, तो सबसे बड़ा सिंधु स्थल, सबसे बड़ा पूछे सिंधु स्थल तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा। और रंगपुर, रंगपुर जो था चावल के भूसे का खोज हुआ था, इसको याद रखेंगे। यहाँ देखें सिंधु सभ्यता एवं उनके विशेष रूप में इस प्रकार है, हड़प्पा पहला खोजा गया सिंधु स्थल है, हड़प्पा का उत्खनन कार्य 1921 ईस्वी में दयानंद सहनी ने जॉन मार्शल के निर्देशन में प्रारंभ किया था। दूसरा है कि चनहुदड़ो या बिना दुर्ग के सिंधु नगर है, जहाँ से गुड़िया निर्माण करने के कारखाने प्राप्त हुए हैं, तो वहीं से झुककर संस्कृति और झंगार संस्कृति के साज प्राप्त हुए, मोहनजोदड़ो से एक अन्नागार प्राप्त हुए, यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा इमारत है, एक विशाल अन्नागार अनाज रखने वाला। रंगपुर, यहाँ से चावल के भूसे के साज प्राप्त हुए, यह स्थल गुजरात में है, जो रंगपुर है यह सौराष्ट्र गुजरात में है, इसको आप याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट है, इसको आप मिलान करना है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ए बोलो मतलब शुद्धोधन, ए में शुद्धोधन, तो शुद्धोधन हो जाएगा बुद्ध के पिता का नाम, बुद्ध के पिता का नाम क्या है, महात्मा बुद्ध, तो शुद्धोधन था। और सिद्धार्थ, सिद्धार्थ था बुद्ध के वास्तविक नाम था, बुद्ध का वास्तविक नाम था सिद्धार्थ। अलार कलाम, अलार कलाम था वो, था वह संत जिसने बुद्ध को ध्यान सिखाया, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। और देवदत्त, देवदत्त था ये बुद्ध का चचेरा भाई, देवदत्त था बुद्ध का चचेरा भाई। और राहुल, राहुल उसका बेटा का नाम था, इसको आप याद रखेंगे। यहाँ देखिए शुद्धोधन बुद्ध के पिता का नाम था और सिद्धार्थ बुद्ध का वास्तविक नाम था। अलार कलाम इसमें बुद्ध की सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की, बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त किया था अलार कलाम से। देवदत्त, देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था, देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था, राहुल उसका बेटा का नाम था, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, जैनों में दिगंबर और स्वतंबर अलगाव कब हुआ, अलग कब हुआ, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, तीसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व में, तीसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व में। इसका फैक्ट देखेंगे, जैनों में दिगंबर और स्वतंबर तीसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुआ था। प्रथम जैन संगीति का आयोजन का समय माना जाता है, मतलब प्रथम जैन संगीति जिस समय हुआ था उस समय जैनों में दिगंबर स्वतंबर बढ़ गया था, 322 ईस्वी में से 298 ईस्वी पूर्व तक। इस संगीति का आयोजन पाटलिपुत्रा में हुआ था, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्रा में हुआ था, उस समय शासक था चंद्रगुप्त मौर्य था। प्रथम जैन संगीति के अध्यक्षता स्थल बाहु ने किया था। इस समय जैन धर्म में दो भागों में बढ़ गया, स्वतंबर और दिगंबर, इसको आप याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एक शिलालेख लव स्तंभ पर पाया गया है, तो यह महरौली स्तंभ है जो लव स्तंभ पर पाया गया है, इसका फैक्ट देखेंगे, महरौली प्राचीन शिलालेख लव स्तंभ पर पाया गया है। महरौली लव स्तंभ अभिलेख दक्षिणी दिल्ली में स्थित है, इसमें गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम चंद्र मिलता है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट है, मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह के विरुद्ध हल्दी घाटी के युद्ध में
किसने मुगल सेना का नेतृत्व किया? तो यह राजा मानसिंह ने। इसका फैक्ट देखेंगे, मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह के विरुद्ध हल्दीघाटी के युद्ध में राजा मानसिंह ने मुगल सेना का नेतृत्व किया था। हल्दीघाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के राजा प्रताप सिंह, राणा प्रताप सिंह एवं अकबर के बीच हुआ था। इस युद्ध में राणा प्रताप सिंह को पराजित का सामना करना पड़ा था, लेकिन राणा प्रताप सिंह ने मुगलों को अधीनता की स्वीकार नहीं किया था। अगर यह क्वेश्चन बने कि अकबर के कौन सा एक राजपूत था जिन्होंने अकबर के अधीनता स्वीकार नहीं किया था, तो यह जगह राणा प्रताप सिंह। इस युद्ध में मुगल सेना के नेतृत्व मानसिंह ने एवं आसफ खान ने किया था। मुगल सेना का नेतृत्व किया था मानसिंह और आसफ खान ने, तो इसको आप याद रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।